हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें इंपोर्टेंट लाइफ आईएलटेक यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को इस चैनल की नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड, डेली आपको एक नई वीडियो यहां मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहें। सो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने व्हाट्सएप का होम का बैकग्राउंड पर अपनी इमेज कैसे लगाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा एंड वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखें अगर आप भी अपने व्हाट्सएप का बैकग्राउंड पर अपनी इमेज लगाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि हमें व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं, मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार से यह इमेज लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं चैट पे होम के यानी कि व्हाट्सएप के होम पे इमेज लगी हुई है एंड आप भी लगाना चाहते हैं तो इन वीडियो को इन तक ज़रूर देखें ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए, क्या करना है हमें, मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है हमारा, उसे हमें डिलीट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। अगर आप दो नंबर यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वाला को आपको डिलीट, जैसे कि ये ओरिजिनल व्हाट्सएप है मेरा, इसको डिलीट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर दो नंबर यूज़ करते हैं एंड एक ही नंबर से आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं हम। अनइंस्टॉल करने के बाद हमें एक एप्लीकेशन यानी कि दूसरा व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, एफएम व्हाट्सएप। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। एंड डाउनलोड करने के बाद मैं बता दूँ सबसे पहले आपको कि आपकी सारी चैट बैकअप हो जाएंगे, यानी बैक हो जाएंगे, किस किस से चैट करें होंगे वो सारी चैट बैकअप हो जाएंगी एफएम व्हाट्सएप पे। एंड उसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ। तो जैसे ही हम एफएम व्हाट्सएप जो कि नया व्हाट्सएप है उसे डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद उसे ओपन करने के लिए ओपन करेंगे अपना नंबर, जैसे कि पुराने व्हाट्सएप पे हम करते थे। एंड्यू निकालने के बाद हमें जो नंबर, जिस नंबर से हमने चलाया उस नंबर को हमें यहाँ इंटर कर देना, जिस नंबर से व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं हम। एंड बैकअप, आपकी चैट सारी बैकअप हो जाएगी। तो यहाँ नंबर डाल के हमें नेक्स्ट करना है एंड वेरीफिकेशन कोड आएगा और वेरीफाई कर देना है। तो ये बोल रहा है कि इस नंबर पे वेरीफाई करना है तो ओके कर देते हैं। एंड वेरीफिकेशन कोड जैसे ही आएगा हमें यहाँ इंटर कर देना है। तो वेरीफिकेशन कोड आ चुका है। तो वेरीफिकेशन होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हम बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आपकी सारी चैट बैकअप हो जाएगी। इसे स्किप कर देना है, ये परमिशन मांग रहा है जो कि आपके चैट के बैकअप करने के लिए। अगर आप बैकअप करना चाहते हो तो गिव परमिशन पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट जो कि जीमेल का वो लग जाएगा। आप यहां से लगा करके बैकअप कर सकते हैं एंड आप बैकअप नहीं करना चाहते हो तो स्किप करके और यहां पर नाम देना है, कोई भी नाम दे देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा जिस वीडियो होगा बैकग्राउंड पर अपनी इमेज कैसे लगाते हैं तो वो मैं बताऊँगा। तो जैसे ही यह ओपन होगा तो इंटरफेस कुछ फर्क होगा और हमें यहाँ से बता रहा है जो वर्जन है और क्या क्या इस पर कर सकते हैं, क्या क्या इस पर फिल्टर एंड इफ़ेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। क्लोज पे क्लिक कर देते हैं एंड आपके सामने जो है चैट ओपन होकर के आ जाएगी आपकी। और करना क्या है हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इमेज कोई लगी नहीं है होम पे, तो हमें लगाने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड फोर मोड्स पर जाना है जो कि सबसे फर्स्ट पर आ रहा है। इस पर जाने बाद हमें यहाँ यूनिवर्सल जो चौथे नंबर पर आपको दिख रहा है यूनिवर्सल जाना है और कलर्स पे क्लिक कर देना है सबसे फर्स्ट पे। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पे बैकग्राउंड हमें मिल जाएगा और बैकग्राउंड पे जाने के बाद फ़ोटो जो कि आप देख सकते हैं सॉलिड कलर ग्रेडियंट कलर फोटो, फोटो पे क्लिक कर देना है एंड अपनी गैलरी से कोई भी फोटो यहाँ से हम यूज़ कर ले जो कि लगाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक इमेज ले लेता हूँ अपनी एंड इसे सेट कर लेते हैं जैसे आप सेट करना चाहें और सेट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हम और बैक करके देख लेते हैं अपना बैकग्राउंड व्हाट्सएप का, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ऐसे करके आप बैकग्राउंड पे अपनी इमेज लगा सकते हैं व्हाट्सएप के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।